हेलो हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। देखो, आज हम बताने वाले हैं आपको ये बूट, ये सॉक्स है, ये इसको बूट बोलते हैं। ये हमने बनाया है, इसमें हमने 51 फंदे डाले हैं यहाँ से, और इसको हमने 20 सिलाई से तक घटा दिया है, जिससे गले की फली डालते हैं ऐसे डाल के 3 फंदों का हमने एक कर दिया। तो हम आपको दूसरा बताते हैं। देखो, ये हमने इसमें 51 फंदे डाले हैं, और इसको ऐसे ऐसे इसको गांठ वाला बॉर्डर बना लेते हैं, दोनों तरफ से एक सा 4 सिलाई तक। फिर दोस्तों, उसके बाद ऊपर को प्लेन बनाना है। ये देखो, ये 4 सिलाई तक दोनों तरफ से एक सा बनाना है गांठ वाला, इधर से भी, उल्टे साइड से भी और सीधे साइड से भी। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान है, और आप चाहो तो इसको बना सकते हो। जिसको उल्टा सीधा आता है वो इसको बहुत ही आसानी से बना लेगा। और दोस्तों, आप हमारी वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो दोस्तों, हम ये बॉर्डर बना के आपको फिर बताएंगे। तो देखो दोस्तों, ये हमारा बॉर्डर बनके तैयार हो गया। हमने 4 सिलाई बनाई है, 1 2 3 4। तो अब हमें ये बीच में जाली डालनी है। देखो, हमारे 50 फंदे हैं, तो हमें 25 इधर बीच में बीच इसमें फली डालनी है। 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तो देखो, ये हमने 25 फंदे बुन लिए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और 24, और एक ये 25। इधर भी गिनते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25। तो 25 हमारे इधर है, 25 ये हमारा एक फंदा फालतू है। तो देखो, हमने 24 24 बुन के, और इधर का भी 25वां फंदा और उधर का भी, और ये हमारा बीच वाला फंदा रहेगा फली का फंदा। जैसे हम गले की बनाते हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही इसको हमने घटाना है। 3 फंदे हम तो ऐसे एक साथ हमें 3 का एक कर दिया। तो ये सीधी साइड से ही घटेंगे, उल्टी साइड से ये सादा बुने जाएंगे। दोस्तों, हमने 3 कलर लिए, एक ये और एक ये और ये। अब इसकी हमें बीच में लाइन डालनी है। तो देखो, दिखाते हैं फिर दोस्तों आप। तो देखो दोस्तों, ये हमने 3 कलर की ऊन है इसका बनाएंगे, 3 कलर की का। तो इधर से हम इसमें ऑरेंज कलर लगाएंगे ऐसे करके। तो ये हमने पैर के नीचे से तरफ से डाला है, तलवे की तरफ से, और ये उधर से ही इसको घटाते घटाते ऊपर टांग की तरफ ले जाएंगे। तो देखो, हमने इसमें ये ऑरेंज कलर की ऊन लगा ली है। देखो, फिर हम इसको, ये हमारी उल्टी सिलाई है, हमने उल्टी तरफ से लगाई है। फिर हम इसको 2 सिलाई बनाएंगे, फिर 6 सिलाई हम इसकी बनाएंगे। तो ये हम 3 कलर का
बूट बनाएंगे। तो देखो हमारा ये पूरा सॉक्स बनके तैयार हो गया। तो अब हमें इसमें बॉर्डर बनाना है। हमने इधर तलवा ही हमारा बन गया है, पैर के नीचे का भाग है और ये ऊपर का आएगा जो टांग में होता है। तो हम इसको ये हमारे हमने 10 सिलाई बनाई है तो इसमें हमारे 20 फंदे घट गए हैं। हमने 51 फंदे डाले थे, अब 31 फंदे रह गए हैं। तो इसको ऐसे बनाना है एक सीधा। तो देखो ये हमारा सीधा फंदा है और धागा आगे किया है। हम एक गांठ का बनाएंगे, धागा पीछे किया, ये हम सीधा बनाएंगे। तो ये हमारा बॉर्डर है, हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। जब हमारे बॉर्डर 5-6 सिलाई बन के तैयार हो जाएंगे फिर इसको हम बंद कर देंगे। तो देखो ये हमने 3 कलर का बनाया है, 1, 2, 3। तो अभी हम बॉर्डर बनाएंगे तब आपको दिखाएंगे बन जाएगा। तो देखो हमारा ये बॉर्डर बन के तैयार हो गया है और हमने इसमें ये डोरी डालने के लिए ये भी डाले बनाए हैं फंदे छीक के कुंदे। तो देखो अब हम इसको घटाएंगे सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा ऐसे। अब इसको ऐसे निकाल देंगे। तो देखो ये हमारा बनके तैयार हो गया। तो अब हम इसको ऐसे सिलाई करेंगे यहाँ से और फिर यहाँ से। तो अब हम इसको तैयार करके आपको दिखाएंगे। अब हमारे दोनों सॉक्स बनके तैयार हो गए। तो देखो दोस्तों ये हमारा जुराब रेडी हो गया है। देखो ये हमारे दोनों बनके तैयार हो गए। ये बूट हैं, ये न्यू बॉर्न बेबी के हैं। तो देखो बहुत ही सुंदर, बहुत ही आसान है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों आप हमारी वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखो दोस्तों आज हम ये माता रानी का आसन बनाने वाले हैं। तो हमने 4 कलर लिए हैं देखो, अलग अलग अलग, और ये हमने 10 नंबर सिलाई लिए। तो हम 4 भागों में अलग अलग बनाएंगे, फिर उसको एक जगह जोड़ेंगे। तो हम दिखाते हैं आपको कैसे बनाने हैं। तो हम पहले 3 फंदे डालेंगे फिर बनाएंगे। दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों देखो ऐसे 1, 2 और 3 हमने ये 3 फंदे डाले हैं। तो देखो ये हम पहला फंदा हमने उतार लिया और धागा आगे किया, इसको ने बनाया 1। हमने पहला फंदा उतार लिया था, ये 3 फंदों में बनाना है। तो ये 3 फंदे हो गए। तो इसको फिर उल्टे तरफ से भी पहला फंदा उतार के ये दूसरा फंदा बुना, फिर तीसरा। सॉरी दोस्तों ये हमें यहाँ पे फंदा बढ़ाना है ऐसे। देखो ऐसे ऐसे और इधर भी बढ़ाना है हमें फंदा। तो देखो हमें ऐसे फंदा बढ़ाना है। ये हमने सिलाई पे ऐसे इधर से लपेट लिया, ऐसे ही हमारा एक फंदा बढ़ गया। ये 2 फंदे, 3, ये 4। फिर हमने इधर से भी बढ़ाना है, उल्टी साइड से भी ऐसे करके इसको हमने इस धागा सिलाई पे लपेट के ये हमारे ये बढ़ गए, 2 फंदे हो गए और 3, 4 और ये इधर से ऐसे बुन दिया। तो हमें ऐसे ही दोनों साइड से फंदे बढ़ाते रहना है।